तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स अभी ऊपर देखा था हमने, माइनस थ्री साइन एक्स माइनस फाइव बाई थ्री था, तो अब इसमें एक्स की जगह जीरो डाल देंगे क्योंकि हमें पी पॉइंट पे निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0.5। तो हमने एक्स दिख रहा है तो एक्स की जगह जीरो डाल दिया, वाई की वैल्यू डालने के लिए जगह नहीं है तो अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ क्योंकि सिर्फ माइनस फाइव बाई थ्री है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इंटू और √3/2, तो 3 इंटू √3/2 यानी 2/√3/3, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे जो ऊपर वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, सोचो 3 माइनस साइन है, 1 2 और नेगेटिव। 3, 3 माइनस साइन दिख रहे हैं आपको, एक ये माइनस साइन है, एक ये है और एक अंदर से बाहर आएगा, 3 हो गए, तो इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज, तो नॉर्मल की इक्वेशन याद है आपको, यहाँ पे मैंने साइड में देखो लिखी हुई, यहाँ पर भी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, और कौन से पॉइंट पे, 0.5 पे, तो वैल्यू डाल दो, वाई की इज इक्वल टू ये है हमारा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स माइनस एक्स वन की जगह 0 और वाई वन की जगह 0.5, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब आपसे और थर्ड पॉइंट में सी पार्ट में क्या पूछा है एक बार देखें, वेरीफाई योर यूजिंग योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से वेरीफाई करो, तो कैलकुलेटर से ड्रॉ करेंगे तो ये तो ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है उस फंक्शन का जो दे रखा था हमें, कॉस का फंक्शन है, 3 cos दे रखा है तो उसका ग्राफ है, और कहाँ निकालना है, जहाँ पे ये ग्राफ काटता है किसको, वाई एक्सिस को काटता है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इसको थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं भाई, थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, और ठीक है और इनलार्ज कर देते हैं, तो कहता है जहाँ पे ये वाई एक्सिस को काट रहा है ना कर्व, तो वो पॉइंट है 0.1 0.5, तो वहाँ पे टेंजेंट बनानी है, तो रेड कलर वाली तो टेंजेंट हो और ग्रीन कलर वाली क्या है, नॉर्मल है, तो अब आप इसको क्या है, इस पॉइंट पे कर्सर रखोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जब आप जीडीसी के ग्राफ में क्या क्या डालूं? ग्राफ में आपको इक्वेशन डालनी है, चलो डाल के देखते हैं साथ में, है ना, तो कॉस 3 cos x डालो अभी तो। हाँ एक सेकेंड बताता हूँ मैं आपको, जो ऊपर क्वेश्चन में है वापस जाएंगे उससे पता लग जाएगा, एक मिनट वापस क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर, तो ये हमारी इक्वेशन है, 3 cos और ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव बाई थ्री और माइनस वन, इसको डाल दो एक बार, 3 cos एक्स माइनस ब्रैकेट 5/3, में इनटू हाँ लगाऊंगा बीच में 5 5 3 ब्रैकेट क्लोज 9 1। हाँ ठीक है, लिख दिया। तो इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी ड्रॉ कर देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी है मैं यहाँ बॉक्स में लिख देता हूँ, ये रहा, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये भी टाइप कर दो, y इज इक्वल टू 2.60x प्लस 0.5, इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टाइप कर लेते हैं, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है जो बॉक्स में लिखा है, y इज इक्वल टू -0.385x प्लस 0.5, तब ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स है तो ग्राफ क्या टाइप किया है, एक बार इक्वेशन क्या किया है, ग्राफ की टाइप बताओ, दिखा दो बन मुझे, गया बन सर, बन गया बन गया। गया, तो हाँ सर, इसमें ऐसा ग्राफ ही। बिल्कुल ऐसा होगा, जूम करना पड़ेगा आपको, हाँ जूम नहीं किया कभी, वो स्ट्रेट लाइन आ रही है। हाँ, तो एग्जाम्पल 42 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंक्लोज्ड बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व वाई इज इक्वल टू 2 sin 3x प्लस पाई प्लस 2 एट द पॉइंट 1, P एंड द वाई एक्सिस, तो एक तो वाई एक्सिस, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल, तीनों से मिला के अपने एक ट्राइंगल बनेगा, तो उसका हमें एरिया निकालना है, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हमारी इक्वेशन तो ये है, ठीक है, तो हमें निकालना है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स तो पता है वाई नहीं पता, वाई की जगह पी लिखा हुआ है, तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ डालो, एक्स की जगह 1 डालो तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या मिली भाई, 2 sin 3 प्लस पाई,
और प्लस टू, इसको आप जीडीसी में डाल दोगे तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 1.72 मिल रहा है, चेक करो। तो हमने इस तरह से ये पॉइंट निकाला। तो आपने वाई वन की वैल्यू क्या बताई थी, एक्स वन की वैल्यू तो 1 है और वाई वन की वैल्यू क्या बताई थी आपकी, कितनी आ रही है, 2.21। 2.21 आ रही है। तो यहाँ पर 1, 2.21 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आपके हिसाब से ये वाली सही है। तो ये गड़बड़ लग रही है अपन को, 1.72। और इस तरह से यहाँ पे भी नीचे भी आप सही कर दोगे। तो आप बता रहे हो कि डेरिवेटिव की वैल्यू तो 5.96 आ रही है ना, तो इसको आप अच्छा राउंड ऑफ करके 5.96 करो, ये वो गड़बड़ लग रही है। तो ये वैल्यू सही सही डालोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी 5.96 और एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या डालोगे आप, 2.21। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे हम, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इसने निकाल ली है, डायरेक्ट ही निकाल के बता रहा है, ठीक है, आप निकाल सकते हो इक्वेशन नॉर्मल, ठीक है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना 5 पॉइंट, तो वो कर लेना तो आ जाएगा इसका। तो अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों का ग्राफ आपको जीडीसी में बनाना पड़ेगा, ठीक है, और वाई एक्सेस ये बना के दिखा सकते हो, इन दोनों का ग्राफ और वाई एक्सेस बताओ। तो एरिया बता दूँ फटाफट, अच्छा मैं लिखता हूँ सर, एकदम। आंसर 1.72 आ रहा है, पहले 2.21 आ रहा था, कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ तो गड़बड़ होगा, तो ऐसा करो, तो आप मुझे वैसे बता दो, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ कुछ इस तरह का बना था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरह से बना है। एक लाइन तो ऐसी बनी है, ठीक है ना, ऐसी लाइन बनी है, दूसरी लाइन ऐसे बनी है। तो ये वाले पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, वो 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1.0। तो ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल की, वो 1 है, ठीक है। और इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जो मैंने डार्क किया है इसमें अभी, उसका एक्स, उसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, कितना, कुछ 1.9 के आसपास, 1.9, 1.89, 1.9 इतना आसपास, 1.99 कर दूं या 98 करूं, 1.9। 1.9। ऐसे ही जो नीचे वाला पॉइंट है ये जहाँ पे वाई एक्सिस काट रहा है, उसका कोऑर्डिनेट बताओ, 0, माइनस में आएगा, हाँ, फोर माइनस पॉइंट फोर पॉइंट टू लग रहा है सर। 4.2 लग रहा है। तो चलो, तो अब आप है ना बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। वाई इसको मैंने मान लिया 0, कुछ लिख दो वाई टू, और इसको लिख देते हैं 0, y3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। वैल्यूज आ गई अपने तो पास। अपन है ना वाई टू माइनस वाई थ्री कर लेते हैं, वाई टू माइनस वाई थ्री मतलब ये पूरी हाइट मिल जाएगी, यानी मानो ये ए बी मिल जाएगा मुझे, ए बी मिल जाएगा। तो अपन ने लिखा 1.9 माइनस और माइनस 4.2, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 1.9 प्लस 4.2 हो जाएगा, तो 9 + 2 = 11, 1 कैरेट 6.1 6.1 हो जाएगा। तो हमारा बेस तो हो गया 6.1, ये हमारा बेस हो गया, और हाइट कितनी है 1, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट, सही आ गया सर आंसर, थ्री ठीक है, पॉइंट जीरो फाइव है 3.05 है ना, ऐसा कुछ आ रहा है, सर। हाँ ये आएगा हाइट एरिया, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, यस सर। ओके देन।